भारतीय प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही है, लिहाजा आपसे थोड़ी देर बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको सशरीर यहां पर कोर्ट में पेश करेगा। उसके बाद देखने की वाली बात यह होगी क्या उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है या फिर ईडी की ओर से कुछ और प्रार्थना की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए कोर्ट में, जहां की तस्वीर आपको दिखा सकते हैं कि यहां पे ईडी के अधिकारी अब तक नहीं पहुँचे हैं। हालांकि ये माना जा रहा था कि वो दलबल के साथ अब पहुँचेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा इंतज़ार किया जा रहा है। खबर यह है कि जो सदर अस्पताल की जो डॉक्टरों की टीम है वो ईडी कार्यालय पहुँच गई है और वहाँ से जांच पड़ताल करने के बाद यानी कि स्वास्थ्य जांच करने के बाद उनको एक बार फिर से इसी पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या जुडिशियल कस्टडी में भेजने का ये अर्थ है कि जो पूछताछ पूजा सिंघल से होनी चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई है या नहीं। और जहां तक कल देर रात का सवाल है तो कल जिस तरह से ईडी ने 6 स्थानों पर रांची के और मुजफ्फरपुर में एक स्थान पर छापेमारी की, उसके बाद जो विशाल चौधरी हैं उनके समेत कई और लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। देर रात विशाल चौधरी को ईडी की तक पूछताछ की गई है, उनके कार्यालय में पूछताछ की गई, उनके आवास में पूछताछ की गई। उसके बाद खुद जो विशाल चौधरी हैं उन्होंने मीडिया कर्मियों को यह बताया कि ये जो खबर आ रही थी कि उनके आवास से करोड़ों की कैश की बरामदगी हुई है, इस बात में दम नहीं है और उनके आवास से एक भी रुपए की बरामदगी नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बातें आ रही हैं कि उनके प्रशासनिक अधिकारियों से आईएएस अधिकारियों से संबंध है, तो उन्होंने तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ईडी ने उनके आवास से उनके कार्यालय से दस्तावेज जब्त किए हैं, उन दस्तावेजों को छानबीन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई का कुछ अंदाजा या पता लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के द्वारा उनके साथ जो व्यवहार है, उनके जो बिहेवियर है वो बेहतर है, वो खुद भी कोऑपरेट कर रहे हैं और ईडी की ओर से भी उनको फुल कोऑपरेशन मिल रहा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो विशाल चौधरी से जो पूछताछ हुई है वो कॉर्डियल माहौल में हुई है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी क्या फिर ईडी की ओर से एक बार फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है या ईडी उनको कहीं ना कहीं रिमांड पर लेने की कार्रवाई कर सकती है या नहीं। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रधान सचिव हैं राजीव अरुण एक्का, उनके जीजा के आवास से उनके कार्यालय में भी छापेमारी हुई है, वहां से भी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ये पहला ऐसा अवसर होगा जब किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी के निकट संबंधी के यहाँ इस तरह की छापेमारी की गई है। इन तमाम प्रकरणों के बीच में पूजा सिंघल की आज रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है, लिहाजा अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी की आगे की कार्रवाई क्या होती है। कल तक जो साहिबगंज के डीएमओ थे विभूति कुमार, उनसे पूछताछ हुई और उनसे कई जो अहम इनपुट्स मिले उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो ईडी की ओर से लगातार छापेमारी की गई है। अब ये देखने वाली बात यह होगी कि अगर पूजा सिंघल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई ईडी कर सकता है, क्या और दूसरे लोगों को समन जारी कर सकता है, कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि विशाल चौधरी हों या फिर जो ओक फॉरेस्ट के में जो कल छापेमारी हुई है या प्रधान सचिव जो रिश्तेदार के यहाँ छापेमारी की गई है, क्या उन लोगों से दोबारा पूछताछ हो सकती है या उन लोगों से संबंधित और लोगों को रडार में लिया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर ईडी के अंदर जो मंथन है वो ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चेहरा है वो है पूजा सिंघल, क्योंकि इससे पहले जो सीए सुमन कुमार है उनको न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में रखा गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ हुई, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। यहां तक पूजा सिंघल का सवाल है, इनसे भी पूछताछ हुई है, कई अहम इनपुट्स मिले हैं। हालांकि ईडी के अधिकारियों जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि बहुत उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया है, नॉन कोऑपरेशन की वजह से ईडी के अधिकारियों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन जो कंपल्शन है, जो बाइंडिंग है, जो प्रतिबद्धता है वो ये कि आज उनको हर हाल में कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है या फिर ईडी और रिमांड पर लेने के लिए प्रार्थना कर सकती है, क्योंकि ये प्रावधान भी है कि अगर अधिकारी को या फिर दूसरे किसी को जेल भेज दिया जाता है तो वहाँ भी विद परमिशन जो ईडी के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर सकते हैं, यानी कि जो ईडी है वो पूछताछ का दरवाज़ा बंद नहीं की है, वो पूछताछ के लिए उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन जो कंपल्शन है उसके तहत उनको कहीं ना कहीं जो होटवार में भेजना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तक की खबर ये है कि ईडी के अधिकारी पूजा सिंघल को लेकर के ईडी कोर्ट के लिए रवाना नहीं हुए हैं, वहाँ पर उनके स्वास्थ्य का जाँच हुआ है और जाँच करने के बाद कहीं ना कहीं जो पहले से जो खबरें आ थी कि उनको जो बीपी है वो अनस्टेबल है, उनको पहले से बीपी और थायराइड की समस्या है, लिहाजा डॉक्टर ने उनको योग और मेडिटेशन करने की सलाह दी है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज़।